राजौरी के डांगरी गांव में हुए नरसंहार से अभी लोग उबरे ही नहीं है कि जिला पुंछ में अल्पसंख्यकों के घर पर पथराव हुआ है। गांव बेंच के इलाके में आज पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद से गांव के लोगों के मन में डर का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची है और छानबीन शुरू कर दी है। इस मौके पर गांव के लोगों ने बताया कि किस तरीके से अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई, इसके बाद उनके अंदर काफी गुस्सा और रोष भी देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। अभी आज आप देख रहे हो, इस समय हम बैंच गांव में हैं। आप देख रहे हो इस बैंच गांव में जो रात का यहाँ पे ये एक कार्रवाई हुई है, यहाँ पे लोगों के मनाटी के घरों में यहाँ पत्थरबाजी हुई है, जिसको देखते हुए रात को यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आया हुआ था और इस समय हम सुबह यहाँ पे आए हुए हैं। और इस समय SSP साहब के दिशा निर्देश हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये जो पथराव हुआ है, जहाँ पे इनके दरवाजे को नॉक किया गया है मनाटी के घरों को, हम प्रशासन से अपील करते हैं कृपा करके यहाँ पे जो CRP की जो बटालियन हैं वो यहाँ पे डिप्यूट की जाएं, ताकि यहाँ के जो मनाटी के लोग हैं इनके अंदर जो हौसला है वो आए और ये जो तहकीकात पूरी तरह से हो कि ये जो रात को जो इनके दरवाज़ों को नॉक किया गया है, ये कहीं आने वाले दिनों की प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं कि यहाँ कोई आने वाले दिनों में कोई कांड तो नहीं करने वाले। हम प्रशासन से चाहेंगे जहाँ जहाँ मनाटी के गाँव हैं, जहाँ जहाँ मराठी हिंदुओं के घर हैं, वहाँ पे फुली तौर पे उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि ये कोई हादसा ना हो जैसे कि आप देख रहे हो रजौरी में हुआ है, ऐसा हादसा कोई पूंछ के लिए ना हो। गांव है जहाँ पर 2008 में भी यहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत से लोग जख्मी हो गए थे और इन लोगों के घरों को जलाया गया था, मकानों को जलाया गया था, गाड़ियों को जलाया गया था। आज ये जो रजौरी में जो हादसा हुआ है, हमारे टारगेट किलिंग की गई है, 8 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं। मैं सोचता हूँ वही शरारती नासर जिन्होंने तब ऐसा किया होगा, आज वही शरारती नासर जो है इनकी लोगों की, यहाँ पर 20 या 22 घर हैं, हिंदू गांव है 20-22 जो घर हैं हिंदू होंगे, उनको स्पेशली तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किलिंग जो मैं सोचता हूँ कि वही है, किलिंग ही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर रात को इनको डराया गया, इनको पत्थर मारे गए। और मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन ऐसे जो है शरारती नासर पर की जाए और ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, ऐसे लोगों को चुन चुन कर जो है लोगों के सामने नंगा किया जाए जो लोग ऐसी हरकतें करें। अगर अब गवर्नमेंट जो है मोदी की सरकार है, मैं यहाँ के SSP साहब और SHO DC जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनको कहूँगा कि फौरी तौर पर सख्त से सख्त एक्शन करके उन लोगों को जो है नंगा किया जाए इस जगह पर जो ऐसा हरकत कर रहे हैं, और इन लोगों की प्रोटेक्शन की जाए, यहाँ पर CRP की जो है पोस्ट लगाई जाए। बड़े थोड़े लोग हैं, आप सोचोगे ये रात को गन्ने लेकर जाकर किससे मुकाबला करें, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी फोर्स आई हुई है, जहाँ पर स्पेशली फोर्स लगाई जाए ताकि इन लोगों को जो है यहाँ पर बचाया जाए, ये ना हो कि रजौरी जैसा हादसा जहाँ पर हो और टारगेट किलिंग यहाँ पर हो। दी आर्थ न्यूज डेस्क के लिए पुंछ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट।